तो जी आज हम फिर और एक न्यू टॉपिक पर स्टेप पर वीडियो को लेकर आए हैं, तो हम सभी स्टूडेंटों से स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे उनको कितना प्रैक्टिकल के बारे में एक्सपीरियंस हुआ है जी, तो हम आपको दिखाते हैं सभी स्टूडेंट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बाय एक्सपीरियंस के बारे में प्रमोशन लेने जा रहे हैं जी। तो भैया आप बताइएगा, जो एम्पलीफायर होता है इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इसमें डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो इसमें मेन फिल्टर कैपेसिटर कौन से होते हैं? दो। हाँ, ये होते हैं ना। हाँ, ठीक ठीक। 35 वोल्ट। ये कौन सा एम्पलीफायर है? ये है 3055। 3055, ठीक जी। तो आप बता सकते हैं जो बाहर से स्टूडेंट्स आना चाहता है, वो डरता है, कहता है यहाँ पर कुछ फ्रॉडगिरी होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है, और जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो सबके सामने होते हैं। हाँ। और हम बहुत अच्छा हमको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है, और हाँ? कुछ भी हाँ फ्रॉडगिरी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आप सभी बता सकते हैं यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत आती है बाहर के स्टूडेंट्स के आने में? कोई दिक्कत नहीं आती, आ सकते हैं और ये सॉल्व भी कर सकते हैं, अपने इधर सब कुछ सीख सकते हैं। आप भैया आपने आज क्या प्रैक्टिकल किया बताएंगे कुछ? हाँ, आज हमने ये सिंगल फेज वायरिंग वाला किया, मतलब चलती धारा में। हाँ, ये प्रैक्टिकल करना। आप कर लोगे? जी सर, 100% जी। तो एक बार बताओ कैसे जोड़ा है आपने, ऐसे दिखा दो, आप जला के ना दिखाते हैं, ऐसे बताओ आप हमको। ये जैसे दो तार आए हैं, इसको जलते बल्ब में दूसरा कनेक्शन करना, तो इसमें एक तार लगाएंगे, फिर दूसरा तार जब तक जलना जाए तब तक छुएंगे नहीं, करंट लग जाएगा काफी कुछ। अच्छा जी सर, आप किसी और अन्य स्टूडेंटों को बता सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल विस्तार से जी। ठीक है जी, आपको भैया आप कहाँ से हो? आप मुंबई से हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो आपको क्लास के बारे में क्या एक्सपीरियंस मिला बताएंगे? क्लास के बारे में क्या एक्सपीरियंस मिला? जी सर, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी अभी इसी को वन फेस वायरिंग का किया है। ठीक ठीक। अब ये बताओ आपको जो अपने प्रैक्टिकल किया है वो मतलब ये लाइएगा कौन सा किया है? जैसे कि आपने इसका प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, अब चलती हुई धारा में आप किसी भी वायरिंग को तार जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ोगे? यस सर, जोड़ दोगे? हाँ। बताओ एक बार कैसे जोड़ा है आपने, ऐसे भी बता दो आप। सर ये तार है, पहले हम एक तार जोड़ेंगे, उसको हम जब तक छू सकती है पहले वाला, फिर दूसरा तार जब जोड़ेंगे बल्ब जलाने के लिए, जब तक बल्ब जल ना जाए तो हम हाथ से नहीं जैसे छू सकते। अच्छा, ठीक है जी। तो अब हम और अगले स्टेप पर चलते हैं जी। तो देखिएगा, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल तीनों ट्रेडों का लैब है। तो अब हम और स्टूडेंटों से पूछते हैं, तो भैया आपकी किस चीज की क्लास चल रही है? एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर, आप कहाँ से हो? हम बिहार से, नालंदा। नालंदा बिहार। अच्छा, ये बताइएगा एम्पलीफायर की पावर सप्लाई तो आप रिपेयरिंग कर लोगे नहीं कर पाओगे? पावर सप्लाई कर लेंगे। क्या दिन हुई आपकी? एक दिन हुई, एक दिन दूसरे दिन क्लास हुई। अच्छा, अब डायग्राम बताओ, डायग्राम जो बताया हमने बताइएगा डायग्राम। तो देखिएगा एक दिन कितना कोर्स कराया, एक दिन का बताओ आप। ये हुआ ये यहाँ तक, तो ठीक है जी। तो आप एम्पलीफायर का कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा, पूरा रहा। आ रहा। तो आज किस चीज की क्लास है आज की, टुडे की जो आज की क्लास है? आज अभी क्लास हो रही है। अच्छा। मतलब कि जो इसके आगे जहाँ तक हुआ उससे आगे। अच्छा, तो आप अपनी भाषा में थोड़ी बताइएगा, इस एम्पलीफायर में जो ओम्स कॉमन का होता है इसमें आप कितना लोड दे सकते हो बताइएगा, अपनी भाषा में थोड़ी बताइएगा। जैसे जैसे कॉमन इसमें ऑन इसमें पीछे साउंड लगाते हैं, तो इसमें बता सकते हैं आप कहाँ पे लगाते हैं? यस, बता सकते हैं। हाँ, जैसे मेरा सिंगल स्पीकर बनाना है। हाँ, तो कॉमन और आठ पे। हाँ, और डबल, जब डबल बजाना है तो आठ आठ चार हो गया, इसमें घटता है ओम्स घटता है। अच्छा, तो आठ आठ चार हो गया, तो कॉमन और चार पर जोड़ेंगे। और जैसे कोई दूसरा एम्पलीफायर इससे कनेक्ट करता है, तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं तो बताएंगे ना? हाँ, निकाल लेंगे, इसका लाइन इन में डालेंगे, और एम्पलीफायर से कनेक्ट करना है या मिक्सर से? अच्छा, जैसे इसमें लाइन आउट करेंगे। हाँ, और उस मशीन में लाइन इन इसमें करेंगे, और मशीन से स्विच करेंगे उसमें आउट करेंगे। अच्छा, तो आप जैसे एक एम्पलीफायर से कितने एम्पलीफायर चला सकते हैं? कितना भी, 20-50 जितना भी। अच्छा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप बताइएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है बाहर से आने में? कोई दिक्कत नहीं, आने में लग रहा था कि कुछ फ्रॉड व्रॉड, मतलब ये सब कुछ नहीं, सब अपने जैसे है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं। और तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टूडेंट के पास। आप बताओ भैया,
बताइए सर। आप बताइएगा जो इसमें डाइबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो राम फालम की कौन सी बाइंडिंग में लगता है डाइबोर्ड? सर आउटसाइड वाला जो वायर होता है वो इनपुट साइड जाता है डाइबोर्ड, जो डाइबोर्ड की आउटपुट बाइंडिंग होती जो वो कैपेसिटर के पास जाता है। ये बताइएगा एम्पलीफायर का प्रैक्टिकल मिलता है, डायग्राम मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सब कुछ मिलता है, डायग्राम प्रैक्टिकल सब कुछ मिलता है। झूठ तो नहीं बोलते? ना सर, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। ठीक है आप बताइएगा, आप बहुत खुश नसीब लग रहे हैं। जी बताइए इसको खिसकाओ, आप ही क्या निकला है, निकालो इसको अपने बगल में लाओ भाई एम्पलीफायर, किसी को लाओ बगल में किसको ओके ओके कैसे मारा गया आप ये बताओ खोलो खोलो दिखाओ, आप मुझे ये बताओ ये एम्पलीफायर कॉपर से एल्युमिनियम से मुझे पहचान बताओ आप कैसे, अब कैसे पहचान लिया आप ऐसे मुझे पहचान बताओ जल्दी बताओ, एक खोल के दिखाओ या फिर ऐसे ही बता दो। तो जी अब हम मशीन को देखते हैं कॉपर से हल से, तो आप पहचान बताओ ये मशीन कॉपर से बनी है ऐसे बनी है, तो हमारे स्टूडेंट्स जी दिखाएंगे ये मशीन के बारे में। मशीन कॉपर से देखो घिसने पर वो एल से देखो ये, अच्छा जी ठीक है, ये वाला भी है इसको भी देख रहे हैं इसके, ये भी एल सी है। ठीक ठीक ठीक, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं मशीन के एम्पलीफायर में एल है या कॉपर है, ट्राम फॉर्म बना है। ठीक है तो जी इन्हें पहचान बता दी है एम्पलीफायर के बारे में, आप क्या रिपेयर कर रही है? सेट ऑफ बॉक्स से मान के चलो, सेट ऑफ बॉक्स में सबसे पहले लाइट नहीं आती है, कौन कौन से पुर्जे चेक करते हैं? सही लाइट नहीं आती तो बैल, सबसे पहले बैल लीड करते हैं, फिर फ्यूज करते हैं, फिर कॉल करते हैं, डायोड करते हैं, कैपेसिटर, ये आपका ट्रांसफार्मर। अच्छा ये पुर्जे यार आप ये बताएंगे जो कोई बाहर से स्टूडेंट आना चाहता है और वो कहते हैं यहाँ पे फ्रॉडगिरी होती है, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है, जो बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक सीखने की इच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल्स वगैरह, तो यहाँ पे सही तरीके से सिखाया जाता है, कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है यहाँ पे। और यहाँ पे फीस ज्यादा लगती है कम लगती है तो बता दिया? यहाँ पे भारत में जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं वहाँ से सबसे कम ही रेट में यहाँ पे सिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर लैब है और